आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा है धनबाद थाना क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धारा 144 का उल्लंघन का मामला। लोग जमकर उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। बता दें कि तालाबंदी के दौरान तालाबंदी का उल्लंघन को लेकर धनबाद थाना में 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 कांड कालाबाजारी व जमाखोरी का है तथा 10 कांड तालाबंदी एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन का है, जिसमें अभी तक कुल 100 से अधिक नामजद अभियुक्त तथा 150 से अधिक अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 50 बाइक भी जब्त की गई है। धनबाद थाना प्रभारी ने कहा कि जब से तालाबंदी लागू हुई है और निषेधाज्ञा लागू किया गया है, तालाबंदी का अनुपालन कराने के लिए धनबाद थाने में 12 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 कांड जमाखोरी व कालाबाजारी का तथा 10 कांड तालाबंदी तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन की है, जिसमें 100 से अधिक नामजद अभियुक्त तथा 150 से अधिक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही साथ लगभग 50 बाइक भी जब्त की गई है। कहा कि जब से तालाबंदी शुरू हुई है तब से धनबाद पुलिस की ओर से ध्वनि विस्तारण यंत्र से इसकी सूचना आमजनों को दी जा रही है। तालाबंदी पूर्व की भांति ही अनुपालन कराने का निर्देश पदाधिकारी से मिला है, जिसमें सब्जी राशन दवा व जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिसका अनुपालन हम लोग कठोरता से करवा रहे हैं। जब से तालाबंदी लागू हुआ है, तालाबंदी को अनुपालन कराने के लिए धनबाद थाना में अभी तक कुल 12 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 कांड कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध में है और बाकी 10 कांड तालाबंदी का उल्लंघन निषेधाज्ञा का उल्लंघन में है। अभी तक कुल इसमें नामजद अभियुक्त 100 से अधिक हो चुके हैं और अज्ञात 150 से अधिक व्यक्तियों को उन पर केस किया गया है। कुल मोटरसाइकिल 50 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है और लॉकडाउन जो है पूर्व की भांति ही अनुपालन कराने का निर्देश हम लोगों को वरीय पदाधिकारी से मिला हुआ है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसमें केवल सब्जी दुकान, दवा दुकान और राशन दुकान ही खुलेगा, बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी, ऐसा हम लोगों को आदेश मिला है। इसका अनुपालन हम लोग कठोरता से कराया गया है।